हमारे फिल्म जगत में ऐसे बहुत सारे कलाकार हो चुके हैं जिनके कलाकारी को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो ये कलाकार उस किरदार को जी रहा है, जिनकी जबरदस्त एक्टिंग भी वास्तविकता से भरी हो। ऐसे कलाकार को दर्शक लंबे समय तक याद रखते हैं। इसी प्रकार से वास्तववादी अभिनय को प्रकट करने वाले उस कलाकार की निजी जिंदगी की कहानी सुनने में भी दिलचस्पी होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज की कहानी जिस मशहूर कलाकार पर है, जिन्हें आपने रंग रंगीले किरदार में देखा होगा। भारतीय फिल्म उद्योग में शान के साथ शाकाल का किरदार मशहूर करने वाले कुलभूषण खरबंदा की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप भी इनके वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कुलभूषण खरबंदा जी का जन्म 21 अक्टूबर 1944 में अविभाजित भारत के हसन अब्दल में हुआ था। वे एक पंजाबी सिख परिवार से ताल्लुक रखते थे, पर विभाजन के बाद इनके परिवार को भारत में बसना पड़ा। भारत के अलग अलग शहरों में रहकर कुलभूषण की प्राथमिक शिक्षा हुई। इनमें देहरादून, जोधपुर, अलीगढ़ जैसे शहरों के नाम शामिल हैं। इसके बाद कुलभूषण ने दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज से उच्च शिक्षा ली। एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी बचपन से थी। स्कूल के दिनों में वे स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्मेंस दिया करते थे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे उन्होंने खुद से एक्टिंग की बारीकियाँ सीखी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कुलभूषण ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने से मना कर दिया था, पर कुछ साल बीतने के बाद उन्हें इस गलती का एहसास होने लगा। 1960 के ज़माने में जब वे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, तब दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने अभियान नामक थिएटर ग्रुप के निर्माण में सहयोग किया। इस महत्वाकांक्षी ग्रुप ने बहुत सारे सफलतापूर्वक नाटकों का सादरीकरण किया, जिनमें कुलभूषण अलग अलग प्रकार के किरदार निभाते थे। ताज्जुब करने वाली बात ये थी कि उस वक्त वे फ्री में काम करते थे, क्योंकि उस दौरान भी थिएटर से पैसे निकालना असंभव था। पर अभियान के विघटन के बाद कुलभूषण यात्रिक इस बहुचर्चित थिएटर ग्रुप का हिस्सा हो गए, जहां उन्हें काम के भी पैसे मिलने लगे। पर एक दो साल के बाद यात्रिक भी बंद हो गया। यात्रिक में काम करते वक्त भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। दिल्ली के रहवासी होने के कारण उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जानकारी भी थी। उनके अन्य दोस्तों ने वहां एडमिशन भी लिया था। उन्हें देखकर कुलभूषण ने भी एडमिशन फॉर्म भरा और वे सिलेक्ट भी हो गए। पर बाद में उन्हें पता चला कि 3-4 साल के इस कोर्स में बहुत पैसे खर्च होते हैं, और एनडीए से निकलने के बाद भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि उनके लिए थिएटर ग्रुप ही अच्छा है। इसके बाद 1972 के साल में वे कलकत्ता आ गए, जहां उन्हें प्रसिद्ध फिल्मकार श्यामानंद जलनीन के थिएटर ग्रुप पदाटिक में काम करने का मौका मिला। पर रोजी रोटी के लिए कुलभूषण को गैसी फैक्ट्री में भी नौकरी करनी पड़ी। उस वक्त वे उम्र के 30वें साल में प्रवेश कर रहे थे, और अब भी फिल्मों का रास्ता उनके लिए दूर था। एक इंटरव्यू में कुलभूषण बताते हैं कि फिल्मों में काम करने का उनका कोई इरादा नहीं था, वे थिएटर के जीवन से खुश थे। पर कलकत्ता में काम करने के दौरान किसी इंसान ने उनकी सिफारिश महान फिल्मकार श्याम बेनेगल से करवाई। उसके बाद श्याम जी ने उनकी पहचान सई परंजपे से करवाई, जो उस दौरान जादू का शंख फिल्म बना रहे थे। तो इस तरह 1974 के साल में कुलभूषण जी की पहली फिल्म रिलीज हुई। सामाजिक मूल्यों पर आधारित जादू का शंख एक पैरेलल फिल्म थी। पैरेलल फिल्मों से शुरुआत मिलने के कारण कुलभूषण को अगली सभी फिल्में इसी सब्जेक्ट्स पर मिली। कुलभूषण जी के बारे में एक बात कही जाती है कि वे असलियत में पैरेलल फिल्मों के लिए बने थे, क्योंकि थिएटर से रिश्ता होने के कारण वे एक नेचुरल एक्टर थे। फिल्मों में आने के बाद कुलभूषण को इस बात की बड़ी खुशी हुई थी कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे, और श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकारों का हाथ उन पर था, क्योंकि 70 और 80 के दशक में सामाजिक फिल्मों का बड़ा बोलबाला था, और इसी कारण से कुलभूषण जी को हमेशा काम मिलता था।
सामाजिक फिल्मों में काम करने के कारण कुलभूषण को कमर्शियल फिल्मकारों ने भी कंसिडर करना शुरू किया। अपने वक्त के बड़े फिल्मकार रमेश सिप्पी शान फिल्म बना रहे थे। इस बिग बजट फिल्म के लिए रमेश सिप्पी को ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो शोले फिल्म के गब्बर सिंह इतना खतरनाक और जबरदस्त हो। साथ ही रमेश सिप्पी ने सोच के रखा था कि उनके फिल्म का विलन जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज के ब्लोफिल्ड जैसा हो, गंजा सर, मिलिट्री अफसर जैसे कपड़े और दबी हुई पर भारी आवाज। इस व्यक्तित्व वाले शाकाल ने जब सिनेमा घरों में दस्तक ली तब हंगामा हो गया। फिल्म तो बुरी तरह से फ्लॉप हुई पर कुलभूषण खरबंदा ने इतिहास रच दिया। आज भी अगर मशहूर खलनायकों की बात निकलती है तो शाकाल का नाम हमेशा ऊपर रहता है। 1980 में शान रिलीज होने के बाद कुलभूषण को बहुत सारी कमर्शियल फिल्में मिलने लगी। 10-15 साल के कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ये सफलता मिली थी, पर फिर भी उन्होंने छोटी फिल्मों को पीठ नहीं दिखाया। शान के बाद भी वे छोटी छोटी फिल्में करते रहे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि फिल्म कितनी बड़ी है। वे हमेशा किरदार को देखा करते थे और खुद को उस किरदार के लिए तैयार करते थे। श्याम बेनेगल की लगभग सभी फिल्मों में वे दिखते हैं। शान के अलावा भी उनकी अन्य फिल्में मशहूर थी, महेश भट्ट की अर्थ, एक चादर मैली सी, फायर, जो जीता वही सिकंदर, वारिस, लगान, वाटर। ऐसी लगभग 200 से भी अधिक फिल्मों में कुलभूषण खरबंदा दिख चुके हैं। आज के जमाने की बात की जाए तो मिर्जापुर और कमाठीपुरा नामक वेब सीरीज में उनका बाबूजी का किरदार भी काफी हिट है। कुलभूषण जी का सफर स्टेज शो, थिएटर और ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से शुरू हुआ था और आज भी वे बिना थके काम करते हैं। उनकी पर्सनल जीवन पर रुख किया जाए तो पता चलेगा कि कुलभूषण खरबंदा की पर्सनल लाइफ बहुत ही सादगी से भरी है। उन्होंने प्रतापगढ़ की रहने वाली महेश्वरी देवी से शादी की। इनकी पत्नी महेश्वरी प्रतापगढ़ के महाराजा राम सिंह की दूसरी बेटी हैं। कुलभूषण जी को एकमात्र बेटी श्रुति है जो फिल्म जगत से काफी दूर है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।